दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें मुख्य हरियाणा की खबर है, जिसमें कि जो हरियाणा के गब्बर हैं यानी कि गृह मंत्री अनिल विज, उनकी नाराजगी को देखते हुए सूबे के टाइगर यानी कि जो पुलिस के मुखिया हैं शत्रुजीत कपूर और हरियाणा के गृह सचिव पहुँचे हैं उनके दरबार में। कहा है कि साहब सब कर देंगे, थोड़ा सब्र करो। इसके साथ साथ आपसे चर्चा करेंगे उस खबर की भी कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि जो कांग्रेस के हरियाणा के युवराज हैं, उन्होंने बड़ा तीखा जवाब दिया था अनिल विज को। इसके साथ साथ आपसे चर्चा करेंगे हरियाणा के और तमाम नेताओं की भी, चर्चा देश की राजनीति की भी होगी। लेकिन इन सबसे पहले एक नज़र आज दिन भर की सुर्खियों पर डालते हैं। तेलंगाना पहुंचे अमित शाह, कहा कि बीजेपी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से होगा, यानी कि ओबीसी कार्ड खेला है तेलंगाना में बीजेपी ने। राजस्थान चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट की करीबी नेता ज्योति खंडेलवाल भाजपा में शामिल हुई हैं। राजस्थान में ईडी के एक्शन पर कांग्रेस का आक्रोश, बोले गहलोत एजेंसी का हो रहा है दुरुपयोग। मुकेश अंबानी को मिली जान से मारने की धमकी, ईमेल पर मांगे गए 20 करोड़ रुपये, पुलिस ने दर्ज की FIR। पश्चिमी गाजा पर इसराइल का बड़ा हमला, 100 लोगों की मौत, UN में जंग रोकने का प्रस्ताव हुआ पारित। जॉर्डन की विदेश मंत्री का बयान, गाजा में इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से आएगी मानवीय आपदा। भूकंप के झटकों से हिला म्यांमार, रिक्टर स्केल 4.5 तीव्रता दर्ज, जान माल का कोई नुकसान नहीं। तो ये वो खबरें थी जो आज सुर्खियों में रही। अब चर्चा प्राइम टाइम पर करते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज यानी कि गब्बर गुस्से में है, मैंने आपको कल भी अपने एक वीडियो में बताया था। हालांकि अब उनके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कर रही है सरकार। सूबे के जो पुलिस के मुखिया हैं जिन्हें टाइगर कहा जाता है, शत्रुजीत कपूर, और इसके साथ साथ हरियाणा के गृह सचिव पहुंचे हैं उनके दरबार में। कहा है कि साहब सब करेंगे, थोड़ा सब्र तो करो। दरअसल प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक गलियारों में 372 जांच अधिकारियों के विरुद्ध जो निलंबन की कार्रवाई की धमक बनी हुई थी, अभी तक 100 जांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और उसकी रिपोर्ट भी अनिल विज साहब को सौंप दी गई है। बाकी के जांच अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई को अमल में लाने के लिए पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों यानी कि कुल पुलिस कमिश्नर्स और SPs ने 3 दिन का समय मांगा है। इस सब को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई थी। अनिल विज साहब गुस्से में थे और उनके गुस्से को शांत करने के लिए राज्य के गृह सचिव TVSN प्रसाद और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर अनिल विज से मिलने पहुंचे उनके निवास पर। उन्होंने बताया यानी कि दोनों बड़े अधिकारियों ने बताया अनिल विज साहब को कि भैया आपके आदेश पर कार्रवाई जारी है। जिन जाँच अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश हैं उनमें 7 DSP और SP रैंक के अधिकारी भी हैं। 15 जांच अधिकारी रिटायर हो चुके हैं और कुछ जांच अधिकारी अक्टूबर और नवंबर महीने में रिटायर हो जाएंगे। अगर उन्हें जल्दी निलंबित कर दिया गया तो फिर उनकी नौकरी में दाग पड़ जाएगा। कुछ जांच अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन के आदेश जारी करने में तकनीकी और कानूनी अड़चन भी है, इसलिए गृह सचिव और DGP ने अनिल विज साहब को कहा कि भैया कार्रवाई तो करेंगे, थोड़ा सब्र करो, मंत्री जी 3 दिन का समय दो। इसके बाद पूरी रिपोर्ट सोमवार तक गृह मंत्री अनिल विज को सौंप दी जाएगी, ये दोनों अधिकारियों ने कहा उनसे। गौरतलब है कि अनिल विज कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि अगर मेरे आदेश पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। आप जानते होंगे विज साहब को हिसार में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता किया करते हैं। बैठक में गए थे, कुछ अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दे आए, आदेश पर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रीवेंस की मीटिंग लेने नहीं पहुँचे। कह दिया जब कोई बात ही नहीं मानता तो फिर किस बात की मीटिंग। इसलिए ये उनका अंदाजे बयां है अनिल विज साहब का, जो हमारे गब्बर का, और इस अंदाजे बया के प्रेशर में ज़्यादातर अधिकारी और सरकारी बाबू आते रहते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। तो ये तो गब्बर की बात थी, अब आगे बढ़ते हैं सूबे की सियासत की तरफ। तो कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलना और कभी अध्यक्ष को बदलना, इस प्रकार की खबरें चल रही थी लगातार मीडिया में। और इन खबरों के बीच में मनोहर लाल जी की सेहत पर तो कोई असर पड़ा नहीं, लेकिन BJP के अध्यक्ष बदल गए। ओम प्रकाश धनखड़ अब केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय सचिव बन गए हैं और उनकी जगह जो हरियाणा के BJP के मुखिया हो गए, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हो गए, वो है नायब सिंह सैनी, कुरुक्षेत्र के सांसद। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री खट्टर के बीच जो लगातार तनातनी चल रही थी,
ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ओम प्रकाश धनखड़ के काम से खुश नहीं था। वहीं नायब सैनी भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो अब उनकी प्रमोशन हो गई है। और अगर कहें तो हालांकि प्रमोशन तो धनखड़ साहब की भी हुई, लेकिन वो ऐसी प्रमोशन है जिसे अगर आप किसी नौकरी में हैं तो कहते हैं ना कि खुड्डे लाइन प्रमोशन हो गई, तो खुड्डे लाइन प्रमोशन लग गई है धनखड़ साहब की। आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आखिर धनखड़ साहब को हटाने की बात आई क्यों। खैर, अब वजह जो भी रही हो, बीजेपी आलाकमान जानता है, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि जाटलैंड प्रदेश की पूरी सियासत जो जाट समुदाय के इर्द गिर्द घूमती है, जाट समुदाय प्रदेश की सियासत में निर्णायक भूमिका निभाता है, ये भी जग जाहिर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो जाट समुदाय को हरियाणा की सियासत में एडजस्ट तो किया था, पहले इससे पहले बराला साहब अध्यक्ष थे, अब धनखड़ साहब अध्यक्ष थे, और अब बदल करके जाटों को जो केंद्र की राजनीति में भेजा है, यानी कि जाट नेता तो वहाँ पहुँच गए, और मुख्यमंत्री के जो सहयोगी हैं, मुख्यमंत्री के मिलने वाले हैं, मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हैं, नायब सैनी नॉन जाट समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं, उनको बना दिया है सूबे का अध्यक्ष। अब ये रणनीति कितनी सफल होगी देखना ये होगा। नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने एक बड़ा संकेत दिया है कि वो गैर जाट समुदाय को एक साथ लेके आना चाह रहे हैं। वैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस में जाट इकट्ठा हो रहा है, जाट समाज के लोग वहाँ ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, और इस सब को लेकर सूबे की सियासत गर्म है। आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर कैसे ये जो बीजेपी ने तुरुप का इक्का चला और जो जाट और नॉन जाट की राजनीति के अंदर, जो सूबे के अंदर अब नया क्या हो सकता है। तो राजनीतिक जानकारों का यही मानना है कि भाजपा अपनी इस रणनीति के मुताबिक खुद तो गैर जाट समुदाय को साधने की कोशिश करती रहेगी, वहीं जाट समुदाय को अपनी सहयोगी पार्टी जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला के सहारे संभालेगी। तो क्या दुष्यंत चौटाला साथ रहेंगे? और अगर दुष्यंत चौटाला साथ रहेंगे तो चौधरी बीरेंद्र सिंह का क्या होगा? बांगड़ चौधरी का, उनकी बात भी बताएंगे आपको अगली वीडियो में कि बांगड़ चौधरी जो कह रहे हैं कि शेर को पिंजरे में बांध दिया। लेकिन पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर जो चल रहा है कि जेजेपी के साथ रहना है या नहीं रहना, मतलब मान लीजिए कि सूबे की सियासत जो है इस टाइम बहुत गर्म है। वहीं दूसरी तरफ कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि प्रदेश का जाट समुदाय लगातार भाजपा से दूर हो रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी अब उसमें शामिल है, वो पार्टी को अलग रास्ते पर ले जाने की बात कह रहे हैं। उनकी ये बात पार्टी को जमीनी स्तर पर कमजोर करती दिखती है। ओपी धनखड़ को भी पार्टी इसलिए लाई थी कि जाट नेता हैं वो भी बड़े, लेकिन बात बनी नहीं। जाट नेता तो थे, संगठन को पूरा मजबूती मिली नहीं। हालांकि धनखड़ साहब कह सकते हैं कि उन्होंने संगठन को पन्ने तक ला दिया। पन्ना प्रमुख के जो सम्मेलन धनखड़ साहब ने किए, शायद इतने किसी ने नहीं किए होंगे। लेकिन अब देखते हैं कि धनखड़ साहब को जिस प्रकार हटाया गया, इससे क्या पार्टी में संतोष भी हो सकता है? और यह जो बीजेपी ने जो नया काम किया है, जो नायब सैनिक को अध्यक्ष बनाया है, ये क्या असर डालेगी? ये बहुत सारी बातें हैं सूबे की सियासत में। और एक तरफ जहाँ ये बीजेपी की राजनीति है, तो राजनीति तो कांग्रेस की भी है। राजनीति कांग्रेस में भी कम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा लगातार सरकार पर हमलावर हैं। दरअसल आपको बताएं कि पिछले दिनों गब्बर ने कहा था, एक बार फिर से गब्बर की एंट्री हो रही है, अनिल विज साहब ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जेल तैयार है, और दीपेंद्र हुड्डा ने जवाब दे दिया है कि भैया तुम्हारी जेल से डरते नहीं है, जो तुम्हें तैयार करना है कर लो, हम तो देश की और जनता की बात कर रहे हैं, कर रहे थे और करते रहेंगे। ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो हुड्डा को कैद कर सके। और इनके साथ साथ, दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, पलवल के पूर्व विधायक हैं, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री हैं करण सिंह दलाल, रिश्तेदार भी हैं हुड्डा साहब के। वो भी कह रहे हैं कि अगर दम है तो हाथ लगा कर देखो। कह रहे हैं कि भाजपा के पास ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो हुड्डा को कैद कर ले, हुड्डा को अपने पास ले ले। और दीपेंद्र और करण सिंह दलाल दोनों कह रहे हैं कि भैया जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, उठा रहे थे और उठाते रहेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो जेजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं हरियाणा में तो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, राजस्थान में अलग लड़ने गए हैं। यानी कि हरियाणा और राजस्थान की राजनीति अलग अलग हो गई। दीपेंद्र हुड्डा जेजेपी के बारे में ये भी कह रहे हैं कि इनकी जो चाबी है वो गुम हो गई है, अब इनसे ना हरियाणा का ताला खुलेगा ना राजस्थान का ताला खुलेगा। सुनिए दीपेंद्र हुड्डा कह क्या रहे हैं। कोई ऐसी धमकी नहीं है इनके पास और कोई ऐसी जेल नहीं बनी बीजेपी के पास जो हमें ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ने से रोक सके। मेरे परदादा जी को काले पानी की सजा हुई थी अंग्रेजों के समय। मेरे दादाजी 8 साल जेल में रहे अंग्रेजों की काली कोठड़ियों में, तब ये नहीं पता था देश आज़ाद होगा कि नहीं होगा, तब भी हमने जायज़ लड़ाई लड़ी थी।
जो है ये आज नहीं बोल रहे, 9 साल से बोल रहे हैं। क्या ये कोर्ट है? क्या ये जज हैं? कैसे बोल सकते हैं? तो ये सब बातें तो थी हरियाणा की राजनीति की। अब उन राज्यों की बात जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश बहुत अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में सभी पार्टियों ने सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य पार्टी दो हैं, कांग्रेस और बीजेपी। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर एक बार फिर गईं। 5 महीने में उनका ये 5वां दौरा है। कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने अपने इस दौरे में कुछ और गारंटियों का भी ऐलान कर किया है। प्रियंका गांधी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी भी तैयार है। बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी किया है और विपक्षी पार्टी पर सवाल दागे हैं। वैसे सत्ता में तो शिवराज साहब थे, खैर सवाल कोई भी दाग सकता है। 28 अक्टूबर को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से यानी कि ट्विटर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो पोस्ट किया और सवाल किया कि कांग्रेस को भगवान राम और राम मंदिर से परेशानी क्या है। राम इस देश की जन जन की सांस में बसे हैं, राम को ये लोग काल्पनिक बताते हैं। उन्होंने कहा कि आप कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो अब तारीख भी बता दी है। महाकाल और महालोक से क्या दिक्कत है ये भी बताएं। कांग्रेस अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करे कि आखिर राम के लगे पोस्टर के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज क्यों की। प्रियंका गांधी इस पर जवाब दें। शिवराज सिंह चौहान ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ ने जो 15 महीने की सरकार थी उसमें बीजेपी की जो कई कल्याणकारी जननीतियां थी उन सबको रद्द कर दिया, उन सबको डस्टबिन में डाल दिया। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं जो वचन पत्र देने का ये ड्रामा करते हैं, ये ड्रामे इनके धरे रह जाएंगे। वैसे एक बात आपको जरूर कहेंगे कि ये सारी बातें तो हैं, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान राम और महाकाल के बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि चुनाव के अंदर राम मंदिर की एंट्री जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो हो चुकी है। राम मंदिर का हालांकि शुरुआत तो 22 जनवरी को होनी है, जो मंदिर के अंदर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन ये जरूर है कि मंदिर पूरे चुनाव को प्रभावित करेगा। तो ये वो सियासी बातें थी, चाहे वो प्रदेश की और चाहे देश की। मध्य प्रदेश में जहाँ चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, आप मान लीजिए कि इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, इसने 2024 का माहौल अभी से गर्म कर दिया है। माहौल तो चुनावी है, ये गर्म होगा, लेकिन आपको गर्म होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के प्राइम टाइम में इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ उन खबरों और मुद्दों के साथ जो आपसे सरोकार रखते हैं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें, शुभरात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।